व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैरी अप सिरप के बारे में, जिसका कंपोजिशन है गाइज आयरन, फॉलिक एसिड एंड वाइटामिन B12। और गाइज इसके पीछे इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं, इस 15 ml कॉन्टेंट्स फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइनाकोबालामिन, फॉलिक एसिड और कुछ मिनरल्स आप इसमें देख सकते हैं। और गाइज इसकी यूजेस के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, और डॉक्टर ये क्यों रेकमेंड करते हैं, किन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइज बताना चाहूँगा, यह जो आप देख रहे हैं फैरी अप सिरप, इसमें गाइज मेनली है आयरन, फॉलिक एसिड एंड वाइटामिन B12 और मिनरल्स। ये जो तीनों का कंपोजिशन है गाइज, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड की हेल्थ के लिए। गाइज आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे ब्लड के लिए, और उसके साथ फॉलिक एसिड, वाइटामिन B12, ये जो तीनों गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे ब्लड की प्रोडक्शन में, ब्लड के हेल्थ के लिए। और गाइज जैसे कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगा, तो गाइज क्या होगा, आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, और वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होगा उसके वजह से भी आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा, ब्लड की हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। और फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड की डेवलपमेंट में, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो तीनों है गाइज मेनली हमारे ब्लड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज जिन पेशेंट्स को क्या होता है ना गाइज, एनीमिया की प्रॉब्लम रहता है, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहता है, फॉलिक एसिड की कमी रहता है, उन केस में डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि गाइज देखिए हमारे ब्लड की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हम बात कर रहे हैं RBC की, RBC गाइज रेड ब्लड सेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि RBC में होता है हीमोग्लोबिन। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको थकान महसूस होगा, वीकनेस फील होगा, तो इसलिए हमारे ब्लड की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी हीमोग्लोबिन लेवल भी कम है, उस केस में भी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, ताकि आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल वो सही हो सके। और गाइज ऐसे भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में खून की कमी ना रहे, इसलिए भी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। और गाइज अगर आपकी ब्लड लॉस वगैरह हुआ है आपकी बॉडी में, तो उस केस में भी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं। और अगर आपको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है और हेमोरॉइड से, उसकी वजह से भी अगर आपकी ब्लड लॉस होता है, उस केस में भी ये डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अगर कोई लेडी जिनकी गाइज पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस की प्रॉब्लम रहता है, और इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहता है, उस केस में भी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम वो सही हो सके। और गाइज अगर आप अपनी डाइट को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, एक बैलेंस्ड मील नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट बहुत ही पोअर है, आपकी डाइट में वाइटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशेंसी है, जैसे कि फॉलिक एसिड, वाइटामिन B12 एंड आयरन, और अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है, उस केस में भी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, ताकि एनीमिया की प्रॉब्लम आपको ना रहे, और उस केस में ही रेकमेंड करते हैं। मेनली आप एक ध्यान दीजिए कि ये जो सिरप है मेनली हमारे ब्लड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डॉक्टर उन्हीं पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिनकी बॉडी में खून की समस्या रहता है गाइज। और गाइज इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें, आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी क्या है, आपकी बॉडी की नीड क्या है, और आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, सारा कुछ चीज़ें डॉक्टर चेकअप करेंगे, उसके बाद ही अगर आपको ज़रूरत है तो ही डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करेंगे। आपकी डोजेस कितना होगा, कितने दिन तक आपको इसको लेना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें आपको डॉक्टर ही बताएंगे। और इसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर के एडवाइस मत खरीदिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये इलीगल है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोजिया, कंस्टिपेशन, डायरिया, स्टोमक अपसेट, ऐसा आपको
साइड इफेक्ट हो सकता है, और आयरन इसमें है, आयरन की वजह से आपकी स्टूल के कलर भी चेंज हो सकता है। और कलर चेंज को लेकर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें, उनसे एडवाइस जरूर लीजिए। टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल, स्टे फिट। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि ये सिरप की यूजेस क्या है, डॉक्टर ये किन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। तो गाइज देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के हेल्थ के लिए, और गाइज आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। और सिर्फ आपकी ब्लड नहीं, ब्लड के साथ साथ आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शन में भी ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी हेयर की हेल्थ के लिए भी आपको चाहिए। और गाइज बताना चाहूँगा, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो में जितना हो सके मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, और अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेरे को पूछ सकते हैं, और भी अदर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा गाइज। टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल, स्टे फिट।